तो फाइनली दोस्तों यमा कंपनी अपनी पहली 125 सीसी बाइक को हमारे इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे लॉन्च करने जा रही है। तो आज की इस वीडियो पे दोस्तों हम लोग इसी बाइक के बारे में कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे कि इस बाइक को दोस्तों कब तक हमारे इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे लॉन्च कर दिया जाएगा, अगर लॉन्च किया जाएगा तो इसकी प्राइसिंग क्या कुछ रहने वाली है, साथ ही साथ दोस्तों बाइक में आप लोग को क्या कुछ फीचर्स मिलेंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोग को इस बाइक के फीचर्स के बारे में ही बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों आप लोग को इस बाइक पे जो है ढेरों सारे फीचर्स दिए गए हैं। जैसे दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बाइक पे अब आप लोग को सिंगल चैनल ABS देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस बाइक पे आप लोग को सिंगल चैनल ABS दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इस बाइक पे जो है आप लोग को फ्रंट पे LED का हेडलैम्प सेटअप भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों बाइक पे जो है आप लोग को फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल दिया जाएगा, जिसमें दोस्तों आप लोग को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी तो दी जाएगी, लेकिन दोस्तों बाइक पे आप लोग को कोई भी GPS के साथ टर्न बाय टर्न नेविगेशन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों बाइक पे जो है आप लोग को USB चार्जिंग पॉइंट दिया जाएगा, जिससे दोस्तों आप लोग अपने फ़ोन वगैरह को चार्ज कर पाएंगे। और सेफ्टी वाइज दोस्तों बाइक पे आप लोग को साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर तो मिलेगा ही। बात करी जाए दोस्तों इंजन के बारे में, तो इस बाइक पे दोस्तों आप लोग को 125 cc की इंजन दी जाएगी, जिसमें कि दोस्तों लगभग आप लोग को 10.5 bhp तक की पावर और 9.7 nm तक का आप लोग को टॉर्क देखने को मिलेगा। जो कि ये जो बाइक है दोस्तों ये 5 स्पीड गेयरबॉक्स के सेटअप के साथ आएगी, जिसमें दोस्तों आप लोग को सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टार्ट ही दी जाएगी। बाइक पे आप लोग को कोई भी किक स्टार्ट देखने को नहीं मिलने वाली है। माइलेज के बारे में बात करी जाए तो लगभग दोस्तों आप लोग को 60+ जो है इस बाइक से माइलेज देखने को मिलेगा। वहीं लॉन्च के बारे में बात करी जाए तो इस बाइक को दोस्तों कहा जा रहा है कि 2025 तक में जो है हमारे इंडियन टू व्हीलर मार्केट पर लॉन्च किया जा सकता है। प्राइसिंग के बारे में बात करी जाए तो लगभग दोस्तों आप लोग को 1,15,000 रुपये से लेकर 1,25,000 रुपये के आसपास में आप लोग को ऑन रोड देखने को मिलेगी। तो अब आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों इस बाइक को लेकर, नीचे कमेंट बॉक्स पे अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो को भी दोस्तों अब हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये जो वीडियो है ये आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।